नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मेरा यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो IIT या NEET को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं यह वीडियो फुल प्रूफ एक्सपीरियंस के आधार पर बना रहा हूं, सो जो भी प्रोसीजर और मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी लोगों के लिए ग्रेट सपोर्ट करेगा। इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और यही प्रोसीजर और टेम्पलेट्स लागू करें। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। मैंने यह वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ बनाया है। आपको वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज अपने क्वेरीज को कमेंट्स में लिखें। मैं स्टार्ट करूंगा प्री रिक्विजिट्स के साथ। इन समरी 4 प्री रिक्विजिट्स रहेंगे। नंबर 1, NCERT बेस्ड क्लास 11 और 12 की बुक्स। नंबर 2, नीट और IIT से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी। नंबर 3, कुछ इंपॉर्टेंट गूगल डाउनलोड्स जिनको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। और नंबर 4 रहेगा वीडियो लाइब्रेरी जो आप यूट्यूब के पेज पर बनाएंगे, जिसे अगेन मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हम प्री रिक्विजिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बुक्स के साथ। आपको क्लास 11 और क्लास 12 की बुक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये दोनों एग्जाम्स सेंट्रल इंडिया लेवल में कंडक्ट किए जाते हैं, इसीलिए NCERT की बुक्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड रहती है। नेक्स्ट प्री रेक जो नीट और IIT से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और टेस्ट मटेरियल, बोथ नीट और IIT से संबंधित 40 प्लस ईयर्स के टॉपिक वाइज सैंपल क्वेश्चंस और सॉल्यूशन पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। साथ ही लास्ट 20 ईयर्स के IIT और मेडिकल के सॉल्वड क्वेश्चन पेपर्स भी लेने होंगे। इसके अलावा आपको 2-3 मॉक टेस्ट की बुक्स भी परचेज करनी होंगी। नेक्स्ट प्रीरेक जो हम डिस्कस करेंगे वो है गूगल डाउनलोड्स। जैसे कि क्लास 11 और 12 के सारे मैथ्स के फार्मूला की लिस्ट, क्लास 11 और 12 के सारे फिजिक्स के फार्मूला की लिस्ट, केमिस्ट्री के सारे केमिकल रिएक्शंस फॉर्मूले और रिएजेंट्स की लिस्ट, आपने इन सब को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके रखना होगा, क्योंकि हम इनका रेफरेंस बाद में ट्रैकर में यूज़ करेंगे। लास्ट प्रीरेक जो हम यूज़ करेंगे वो है यूट्यूब बेस्ड वीडियो लाइब्रेरी। क्योंकि वर्ल्ड के सारे प्रोफेशनल्स और बेस्ट प्रोफेसर्स के वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप यूट्यूब के वीडियोस का यूटिलाइज़ करें। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, आपको 3 सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही वीडियो का एक ट्रैकर बनाना होगा, जहां पर आप फर्स्ट कॉलम में ईच सब्जेक्ट के टॉपिक के नेम मेंशन कीजिए और हर टॉपिक से रिलेटेड 1-2 आप सिंपल वीडियो डाउनलोड कीजिए और 1-2 एडवांस वीडियोस को डाउनलोड कीजिए। तब हम डिस्कस करेंगे ईच ट्रैकर को डिटेल में। सो पहला ट्रैकर हमारा है क्लास 11 और 12 के सिलेबस की बुक्स, और आपको यही टेबल तीनों सब्जेक्ट के लिए बनाने होंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप एक्सेल यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ कोई भी नोटपैड या रजिस्टर में यह टेबल बना के रख सकते हैं। यहाँ पर पहला कॉलम आपका रहेगा चैप्टर का नाम, सेकेंड कॉलम आपका रहेगा रीड स्टेटस जिसकी वैल्यू यस या नो होगी, और थर्ड कॉलम आपका रहेगा कॉन्फिडेंस लेवल, जहाँ पर आप हाई, मीडियम या लो अपडेट करेंगे। आपको ईच चैप्टर की रीडिंग कंटिन्यूसली साइक्लिकली तब तक रखना होगा जब तक कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई ना हो जाए। और आपका टारगेट यह होना चाहिए कि एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले तक सारे चैप्टर का रीड स्टेटस यस हो जाए और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्रैकर, फिजिक्स और मैथ्स के सारे फार्मूलाज का डन स्टेटस ट्रैकिंग। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको सिमिलर टेबल मैथ्स और फिजिक्स के सभी फार्मूलाज के लिए बनाना हो। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है सिनॉप्सिस या फिर चैप्टर नंबर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम है P1, P2, P3, मतलब Priority 1, Priority 2, Priority 3। Priority 1, 2, 3 फ्रीक्वेंसी के आधार पे है, जिस फॉर्मूला पे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अपने फार्मूला का प्रिंटेड कॉपी में उस फार्मूला के अगेंस्ट P1 मार्क कर दीजिए, और जिस फार्मूला पे अल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंटेड कॉपी में उस फार्मूला के अगेंस्ट आप P2 मार्क कर दीजिए। सिमिलरली जिस फार्मूला पे कभी कभार ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रिंटेड कॉपी में ही उस फार्मूला के अगेंस्ट P3 मार्क कर दीजिए, और फिर P1, P2, P3 जितने भी वहाँ पे हैं टोटल काउंट करके आप इस टेबल पे अपडेट कर दीजिए। और एंश्योर कीजिए कि आप हर रोज़ कम से कम 4-5 फार्मूला ज़रूर मेमोराइज कर लें, और वीकली बेसिस पे फिर डन स्टेटस को यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कॉलम 4, 5, 6 इंडिकेट करता है P1 डन, P2 डन, P3 डन, जितने फॉर्मूला आपको याद हो जाते हैं यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। और आप हमेशा प्रायोरिटी के बेसिस पे कीजिए और टारगेट कीजिए कि P1, P2 पहले कंप्लीट हो जाए,
और ओवरऑल टारगेट आपका ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम से कम 2 या 3 महीने पहले आपके सारे फॉर्मूलेस का डन स्टेटस कंप्लीट हो जाना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड ट्रैकर को, जो है केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, रिएजेंट्स और फार्मूलाज का डन स्टेटस ट्रैकिंग। इसके लिए भी आपको तो सेपरेट टेबल बनाने होंगे, एक रिएक्शंस के लिए, एक रिएजेंट्स के लिए। सिमिलरली आप एक फार्मूला के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हैं, पहला कॉलम है आपका सिनोप्सिस, P2, P3 कॉलम यहाँ पर इंडिकेट अगेन करते हैं प्रायोरिटी, जो कि अगेन फ्रीक्वेंसी के आधार पे है कि उस फॉर्मूला पे, उस रिएक्शन पे कितनी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सॉल्व पेपर्स में और मॉक टेस्ट में। और जैसे जैसे आपको फ्रीक्वेंसी पता चलती है, आप प्रिंटेड कॉपी में P1, P2, P3 मार्क करेंगे पहले की तरह, और टोटल P1, P2, P3 का काउंट आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम पर अपडेट कर दीजिए। और यहाँ पर भी आपको इंश्योर करना होगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे याद करते हुए एवरीडे 3 से 4 रिएक्शंस और रिएजेंट्स को ज़रूर मेमोराइज कर लें, और डन स्टेटस वाले कॉलम्स को वीकली बेसिस पे अपडेट करें। और यहाँ पर भी आपका ओवरऑल टारगेट यही रहना चाहिए कि एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले सारी रिएक्शंस, रिएजेंट्स और फॉर्मूलेस का डन स्टेटस कम्प्लीट हो जाए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ ट्रैकर, जो कि YouTube बेस्ड वीडियो लाइब्रेरी पर सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ऐसा टेबल तीनों सब्जेक्ट के लिए बनाना होगा, जिसमें फर्स्ट कॉलम आप देखते हैं कि टॉपिक का नाम है, और यहाँ पर आप R1, R2, R3, R4 और R5 डिफरेंट कॉलम्स देख रहे हैं, जो कि आपकी सेल्फ असेसमेंट की रेटिंग है। आपको ईच टॉपिक पर अपने आप को सेल्फ असेस कर लेना चाहिए कि आउट ऑफ 10 आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और बेसिक से लेके एडवांस के वीडियोस देखते हुए आपको हर वीडियो को देखने के बाद अपना सेल्फ असेसमेंट का स्कोर अपडेट करना चाहिए। और आपने हर टॉपिक पर सेम वीडियो और न्यू वीडियोस तब तक देखने होंगे जब तक आपका सेल्फ असेसमेंट स्कोर 8 या 9 न हो जाए। और आपका ओवरऑल टारगेट भी यही होना चाहिए कि एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले ही आपके सारे टॉपिक्स पर सेल्फ असेसमेंट स्कोर एटलीस्ट 8 या 9 हो जाए। अब हम लास्ट लेकिन सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, और यह है ट्रैकर, आपके पास्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट के स्कोर्स को ट्रैक करने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको सिमिलर ट्रैकर हर बुक के लिए अलग अलग बनाना होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है वह है आपका एग्ज़ाम का जो टाइटल है, सेकेंड कॉलम में टोटल मार्क्स कितने का है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के मार्क्स। जब आप टेस्ट देंगे, ईच टेस्ट को आप एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट कीजिए, और अपने सही आंसर्स को राउंड 1 में अपडेट कीजिए। सिमिलरली फॉलो कीजिए राउंड 2, राउंड 3 के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको सारे बुक्स के टेस्ट को मल्टीपल साइकिल में रिपीट करना होगा, तब तक करना होगा जब तक आपके ईच टेस्ट में जो एवरेज स्कोर है वह 90 से ऊपर ना हो जाए। और आपका ओवरऑल टारगेट होना यह चाहिए कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपके हर टेस्ट में ऑन एन एवरेज आपका स्कोर 90% से ऊपर होना चाहिए। यही आपकी सक्सेस को कंफर्म करता है। आशा है आपको टेम्पलेट और प्रोसीजर दोनों क्लियर हैं। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट पे मेंशन कीजिए, और अगर किसी को इस टेम्पलेट और प्रोसीजर के एग्जीक्यूशन में एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। इसका लाभ उठाएं और औरों को भी लाभ उठाने में इसकी मदद करें।